हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नूर और आप देख रहे हो इस सुबन क्रिएटिव चैनल। आप सबका फिर से स्वागत। तो ये मेलागार्ड 50 प्लस सनस्क्रीन है दोस्तों। ये सनस्क्रीन मैं खुद इसको इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए मैं आपके सामने ये लेके आया हूं कि इसका मैं रिव्यू कर दूं और वीडियो बना दूं, क्योंकि इसका फ़ायदा आप अब तक भी पहुँचें। तो देखिए, ये मेलागार्ड 50 प्लस है। यह आप इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स हैं तो ये पहले हम देख लेते हैं। ये देखिए, पहले सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर जो 50 प्लस है, मतलब और इसका और एक बढ़िया ये है, वाटर रेसिस्टेंट सनस्क्रीन है ये। मतलब ये लगाने के बाद थोड़ा हल्के बहुत अगर बरसात भी आ गए तो इसका वाटर और या पसीने जो छूटते हैं उसके बाद ये नहीं निकल जाते हैं। इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और इसका कंपोजिशन क्या है तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ओक्टिनोक्सेट है 7.5%, एवोबेनाजोन है, ऑक्सीबेनजोन है, ऑक्टोक्रिलिन है, जिंक ऑक्साइड है। तो ये सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं आप देख सकते हैं नेट में जाके, ये सब बेस्ट सन प्रोटेक्टर है, सन को प्रोटेक्ट करती है, अल्ट्रा वायलेट रे को भी जो है प्रोटेक्ट करती है। तो इसको यहाँ पर आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए क्या है। माइक्रोनाइज्ड जिंक ऑक्साइड है, ऑक्सीबेनजोन है, ऑक्टोक्रिलिन है। तो इसको स्टोर कैसे करें, इसको स्टोर करना चाहिए 25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर ना हो, उस टेम्परेचर के अंदर ही आपको इसको स्टोर करके रखना चाहिए। इंडिकेशंस इसका किस पर्पज से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके इंडिकेशन जो है, ड्यू टू इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल सनस्क्रीन मेलागार्ड 50 इज इंडिकेटेड प्रोटेक्ट स्किन अगेंस्ट सनबर्न एंड स्किन डैमेज दैट रिजल्ट प्रीमैच्योर स्किन एजिंग एंड रिंकल्स। जो सनबर्न की वजह से स्किन डैमेज हो जाती है, रिंकल्स आ जाती है, वो ना होने के लिए मेलागार्ड 50 इस्तेमाल किया जाता है। ये धूप में जब आप निकलें तो इसको इस्तेमाल करें। यहाँ पर लिखा है अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ आइज, और यहाँ पर लिख डिसकंटिन्यू यूज इफ साइंस ऑफ इरिटेशन और रश अपीयर। दोस्तों, जैसे कि आपको सब आप सबको पता है कि ये जो स्किन का जो भी ऑइंटमेंट होते हैं या लोशन होते हैं, ये हर किसी को स्वीट नहीं करते हैं। ये मेरे को स्वीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं आपको भी स्वीट करें। कोई भी स्किन प्रोडक्ट को कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि ये आपको स्वीट करेगा। एक दो दिन इस्तेमाल करने के बाद अगर आपके जो स्किन है उसमें अगर इरिटेशन आती है या स्वेलिंग होती है तो तुरंत इसको स्टॉप कर देना चाहिए और डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना ज़रूरी हो सकता है। डॉक्टर की एडवाइस से ही लें, क्योंकि ये मिटिगेटेड है, एलोपैथिक फार्मूला है। ज़्यादा धूप में ज़्यादा टाइम रहना स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं। ये 60 ml का है और इसका रेट क्या है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखे मेलागार्ड 50 प्लस स्टे सन कॉन्फिडेंट, वेयर प्रोटेक्टिव आई कवरिंग्स और सनग्लासेस, ये भी लिखा है। अल्ट्रावायलेट लाइट कैन कॉज कॉर्नियल डैमेज, प्रोटेक्टिव स्किन विद हैट एंड प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एज एक्सेसिव एक्सपोजर टू सन इज हार्मफुल। यहाँ पर लिखा है डायरेक्शंस फॉर यूज, मतलब इसको कैसे इस्तेमाल करें। यहाँ पर लिखा है मेलागार्ड 50 प्लस SPF 50 प्लस should be applied 15-30 minutes prior to sun exposure, मतलब धूप में जाने से 15 से लेके 20 मिनट पहले इसको लगा लीजिए। और adults and children above 6 months of age should apply the lotion liberally and evenly to exposed areas of the skin before sun exposure. There is no recommended process for children below 6 months of age except under the supervision of doctor. Shake will be good use, मतलब इसको इस्तेमाल करने से पहले इसको शेकिंग करना जरूरी हो जाता है। इसका रेट है 412 रुपीज, मतलब इसके मैन्युफैक्चर इन इंडिया बाय और कैम लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड है, मार्केटेड बाई एबोट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। मैं इसको पेट्रोल कैप्स को सामने में भी रखता हूँ। इस तरह से आते हैं, ये
ऐसे ऐसे होता है, इसको ऐसे स्प्रे करने में तो काफ़ी पार्ट जैसा है ये फेस में या आप गर्दन में हाथ में जहाँ जहाँ आपको सन से प्रोटेक्ट करना है तो उस एरिया में आप इसको कैन अप्लाई दिस। और एक बात आपको बता दूँ कि कोई भी सनस्क्रीन दो घंटे के लिए काम करते हैं, अगर ये लगाने के बाद आप अगर धूप में जाओगे सिर्फ दो घंटे ही रहेगा इसका प्रोटेक्शन रहेगा। दो घंटे के बाद फिर से आप मुँह धोने के बाद या सालन का फेस सफा करने के बाद फिर से आपको सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा। तो ये था आज के लिए सनस्क्रीन मेलागार्ड 50 प्लस। इसका रिव्यू कैसे लगा आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में।